तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल मिथ्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको लगता है कि वो सच है, ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। या उन मिथ्स को मैं यहाँ पर डिबंक करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं उनका सच लाने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप देखते रहिएगा एंड तक, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ, क्या सेलफोन हम पेट्रोल पम्प यूज़ नहीं कर सकते? क्या आग लगती है उससे? और क्या किसी भी फ़ोन को प्लग इन रखना रात भर सही है? या थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ करना सही रहता है फ़ोन्स के लिए? या फिर अपने बैटरी उसको एकदम एंड होने से पहले रिचार्ज ना करें? और इन कॉर्टिग्नो ब्राउज़र, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, यानी प्राइवेट ब्राउजिंग, क्या ये हो सकता है? तो इन सभी मिथ को मैं यहाँ पर डिबंक करने वाला हूँ, इनके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या ये सच है, आप जो मानते हैं उसकी रियलिटी क्या है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से सभी ने कभी ना कभी तो प्राइवेट ब्राउजिंग करने की कोशिश की होगी। इनकॉग्निटो मोड तो आप में से सभी ने यूज़ किया होगा अपनी हिस्ट्री को हाइड करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी हिस्ट्री को हाइड करता है बट अच्छे से हाइड नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिएक्शन अभी ऐसा ही होगा कुछ। तो दोस्तों, माफ़ करना मुझे ऐसा कहना पड़ा बट ये ट्रूथ है। ये आपके ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं रोकता आपको ट्रैक करने से, और आपके कीबोर्ड भी ट्रैक किए जाते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो दिखता है कि आपने क्या टाइप किया है, आप क्या सर्च करते हैं, आपके रिलेटेड जो आपको पसंद है वो सब कुछ आपको दिखाया जाता है। यूट्यूब पर, अमेजोन पर ऐसा ही होता है, आप जो देखते हैं उसी रिलेटेड आपके सर्चेस दिखाते हैं। हिस्ट्री नहीं सेव करता, ये बात सच्ची है, तो किसी पर भी भरोसा ना करें। और अगली बात करें तो बैटरीज को आपको रिचार्ज नहीं करना चाहिए, एकदम जीरो तक लेकर के जाना चाहिए। तो ऐसे निकल कैडियम बैटरीज पर डिपेंड करता है जो कि पहले चलती थी, अब लिथियम आयन बैटरीज चलती हैं जो कि अच्छी आती हैं। तो ये मिथ भी डिबंक हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने बैटरी लेवल को 40 से 80% रखना चाहिए आपके बैटरी के अच्छे हेल्थ के लिए। उससे ज़्यादा नीचे भी लेकर के जाने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, आप जीरो तक ड्रेन करोगे इससे अच्छा आप चार्जिंग लगा दो, अच्छा रहेगा। और 100% तक भी लेकर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके बैटरी को ज़्यादा गर्म करता है, तो उससे स्वेल वेल हो सकता है शायद, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब मैं बताऊं, आपके स्मार्टफोन को आप लीव करके सो जाते हो रात भर, इसे ओवर चार्जिंग कहते हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मैं तो करता हूं, आप भी कर सकते हैं। चाहे तो यह आपके बैटरी को हार्म नहीं पहुँचाता, आपको अगर ज़्यादा हीट हो जाए उससे भी स्वेल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आजकल के चार्जर्स भी स्मार्ट होते हैं, वो आपके चार्जिंग सप्लाई को कम कर देते हैं एकदम से, जितना स्मार्टफोन को सिर्फ 100 तक मेंटेन रखने के लिए करते हैं। आप रखते हैं ना तो 99 हो जाता है रात को रखे रखे भी, तो उसी भी 100 तक मेंटेन करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, आपकी बैटरी स्वेल नहीं होगी। तो ये चर्चा खर्चा वाला विषय है, बस जो बिल आएगा बिजली का वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहे, तो बाकी कुछ नहीं है। और अब मैं आपको बताऊँ, थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ करना आपके स्मार्टफोन और टैबलेट को हार्म करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपके स्मार्टफोन में कोई कमी होती है तो ही वो बर्न होता है या जलता है। जैसे कि सैमसंग के नोट सेवन में था, तो वही सब तकलीफें हैं। और चार्जर में भी कुछ कुछ फेलियर होते हैं, तो थर्ड पार्टी चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं बट थर्ड पार्टी चार्जर भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, तो ये यानी कि सेफ रहेगा। तो ये मिथ भी डिबंक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्टी चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, बस बात खत्म। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि स्मार्टफोन ऐसे ही नहीं हीट होते हैं, स्मार्टफोन के अंदर कोई कमी होती है या तो चार्जर के अंदर कोई कमी होती है, उसके अंदर के पार्ट्स वीक होते हैं, और या फिर वो ज़्यादा सप्लाई देता है कम सप्लाई देता है आपके स्मार्टफोन को जितना चाहिए होता है उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के अंदर बिल्ड होता है, यानी कि कमज़ोर तरीके से लगाया होता है। तो मैंने कहा अच्छा चार्जर भाई कीजिए, और स्मार्टफोन को यूज़ करना पेट्रोल पंप पे क्या आग का खतरा बन सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन को यूज़ करने से पेट्रोल पंप पे आग का खतरा हो ऐसा साइंटिस्ट ने देखा नहीं, प्रूव नहीं किया। हाँ, स्मोकिंग ना कीजिए या फिर कोई चीज़ वहाँ पर आपके गाड़ी से स्लाइड ना हो, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आग लग सकती, बट स्मार्टफोन से आग लगने का अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, और ना ही मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। बट खतरा कौन लेना चाहेगा, यानी कि खतरा किसे लेना है? आपके स्मार्टफोन के अंदर कुछ सर्किट में कमी हो, हल्के शॉक बनते हो तो शायद हो सकता है कुछ, बाकी तो आपको अपने स्मार्टफोन को कार के अंदर छोड़ करके आना चाहिए तो ही सेफ रहेगा, और आपको अपनी कार से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये भी मैं कहूँगा। तो हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।